सीता सयानी हो गई। कितनी सयानी? जब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना और 7 दिन की गई, तब सीता ने किसी कौतुक दिखाया। जो बरसों पुराना धनुक राजा जनक के यहां रखा हुआ था वो किसी के हिलाए से हिलता भी नहीं था। एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे भी लीप दिया किसी कारणवश। अरे कारणवश क्या, सुने ना सीता जी की माँ जो थी वो घर पर नहीं थी। कहा सीता ने सोचा धनुष के नीचे बहुत गंदा हो गया है, चलो सफाई कर देती हूँ। और जब जनक घर पर आए, धनुष के नीचे लिपा हुआ देखा तो कहने लगे हैं सीता, अरे ये धनुष के नीचे सफाई किसने की है? हमने करी। तुमने? इस धनुष को तुमने उठाया? बिल्कुल। बाजी वाह, अभी तक इस धनुष को किसी ने तिल भर हिला नहीं पाया और मेरी पुत्री सीता ने इस धनुष को उठा लिया। बड़ा बहादुरी का काम किया है। बड़ा खुश हुए, दरबार में पहुंचे, मंत्री को बुलाने लगे। मंत्री, ओए मंत्री, ये महाराज आज हम बड़ा खुशी हैं तो क्यों है तुम्हें मालूम है? काहे के ना खुशी हो जाओ, कारण का है? कारण तो बहुत बड़ा है। का है? ए मंत्री, हमारी एक पुत्री है ललित सीता। ओए तू ढीला कैसे बोल रहा है ये बता पहले। ललित सीता ढीले सामने लग रही है। मंत्री, सीता हमारी पुत्री, हमारी सीता ने, तुम्हारी सीता ने गोबर लगा दिया। पहले पूरी बात सुन लिया कर। बोलो। हमारी सीता ने, तुम्हारी सीता ने क्या कर दिया? गुल्ला खा लो। उसने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। तो चिट्ठिया पकड़ के मारो है। मंत्री, वो जनक की पुत्री है और जनक की पुत्री क्या काम कर सकती है क्या तुझे मालूम है? बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। जो हमारे यहाँ बरसों पुराना भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था वो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। हमारी सीता ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे भी लीप दिया है। बिल्कुल। अब हम एक काम करेंगे, सीता की शादी करेंगे। शादी करो तो रसोई को सामान लिखवाओ, तैयार करें।
नौता बटन दे फिर काम आते शादी कहाँ करेंगे तूने पूछा शादी करके ले कराओगे लड़का जरो फिर तो मना ना करते शादी हम करेंगे तो कहाँ करेंगे सुनो उसी के साथ में सीता की शादी होगी मंत्री कलम उठाओ और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो पत्र बनाओ ओके पत्र लिखो पत्र में खत्म है चिट्ठी में एक ही बात सबके लिए लिखो जो हम लिखवाए अच्छा ओके महाराज चुप परेशान हो लिखो लिखो कौन लिखे कौन लिखे ये भी लिख रहा है क्या ये भी लिख रहा है क्या मंत्री मंत्री अभी तो मैंने लिखवाना चालू भी नहीं किया मैंने लिखवाना चालू भी नहीं किया कोई गई शादी कोई गई शादी अरे जब हम बोले तब लिखना अरे लिखना अब बताओ ये शब्द पढ़कर कौन राजा आएगा यहाँ अब ये शब्द पढ़कर के कौन राजा आएगा पन्ना तो पूरा भर गया है तुम्हें कुछ लिखा तो है नहीं अभी मंत्री मंत्री एक ही बात सबके लिए लिखो एक ही बात सबके लिए लिखो डॉट 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 लिखा है कि इस शंकर